those who wish me bad, I wish them death. अप्रिया, आज भी सूर्या किरण की फिल्म देखकर वही मजा आ जाता है क्या आपको? नहीं लगता डॉक्टर रेड्डी, सूर्या द लास्ट एक्शन हीरो? एक्शन हीरो सूर्य किरण अपना एक्शन खुद नहीं करता, स्टंटमैन करता। मेरा लेटेस्ट बुक पढ़ो, इसमें मैंने सुपरस्टार को एक्सपोज किया है। फेमस फिल्म क्रिटिक एंड बायोग्राफर डॉक्टर हेमंत रेड्डी की ये लेटेस्ट बुक सूर्य किरण, सुपर हीरो या सुपर जीरो, इसमें इन्होंने साउथ के मरहूम सुपरस्टार सूर्य किरण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सब सच है, उसका अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, उसका ड्रग हैबिट, उसका अफेयर्स, सब सच है। लेकिन ये थोड़ा एक तरफा नहीं लगता है, खास तौर से जब सूर्य किरण अपना पक्ष रखने के लिए जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो भी मैं ये बुक लिखते। और उनके फैन से नहीं डरते हो? उनके फैन तो समझते हैं कि वो मरे ही नहीं है, जिंदा है, कहीं छिपे हुए। लोगों का यही अंधा विश्वास एक आम एक्टर को सुपरस्टार बना देता, गॉड बना देता। सूर्य किरण इज डेड। जब उसने हॉस्पिटल में आखिरी सांस लिए थे, मैं उस कमरे में थे। आई सॉ हिम डाई। चलिए अच्छा है कि वो जिंदा नहीं है, अगर जिंदा होते तो अगला शिकार अपने फ्लाइंग किक एक्शन के लिए आप ही को बनाते। इस बुक को पढ़ के सूर्य किरण? नहीं, ये नहीं हो सकता। सूर्य किरण तुम तो मर चुके हो। यह कैसे? सुन, 4 साल पहले मैं तुम्हारे फ्यूनरल में गए थे। सूर्य किरण, मुझे माफ कर। सूर्य किरण, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी किताब लिख देंगे जो तुम्हारे नाम को क्लियर कर देंगे। विचित्र बात है ये। सुन, सब ये खबर पढ़ी तूने? विचित्र बात है, हफ्ते भर पहले ही इस लेखक ने हेमंत रेड्डी, साउथ के स्वर्गीय सुपरस्टार सूर्य किरण उर्फ जमाल बख्श के बारे में एक विवाद भरी किताब लिखी थी। हफ्ते भर बाद इसे मार दिया गया। इट्स ऑड। अब सब अच्छा अच्छा बोलो, कम ऑन वरुण, केक कटिंग टाइम। मिसेस ब्लूमोरे, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत तो है ना वरुण, ये तो बर्थडे बॉय है, कट द केक। कम ऑन नाउ बर्थडे बॉय, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए केक लाया। चल चल भावत का केक कट।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shefu's boy. Happy birthday. I'll take the whole piece. And I want a large piece on a plate with spoon. Yes, Your Highness. शेफाली को साथ में ले आया होता इस बहाने हम मिल तो लेते उससे। सब मिलवाऊंगा, बहुत जल्द। वैसे प्यारी घड़ी दी उसने तुझे तोहफे में। सब? आपको कैसे पता कि ये घड़ी मुझे शेफाली ने गिफ्ट दी है? अब जब से तू ऑफिस में आया है घड़ी को ताके जा रहा है, उसे चमकाया जा रहा है। ऑब्वियस ना, तेरा बर्थडे गिफ्ट है फ्रॉम अ लव्ड वन। आप डिटेक्टिव हो या लॉयर, मैं आज तक नहीं समझ पाया। सर, इसलिए चेन्नई से इतना दूर से मैं आपके पास आया हूँ भास्कर अन्ना का केस लेकर। चेन्नई से वहां तक तो पहुंच गए, वहां से इस कुर्सी पर भी आ जाइए। मायसेल्फ शेखरन। सर, बड़ा टॉलीवुड में एक छोटा सा प्रोड्यूसर है, मैं छोटा छोटा फिल्म बनाता है सर, लेकिन अभी मेरा फिल्म में टोटल ब्रेक, क्योंकि मेरा हीरो भास्कर पुलिस अरेस्ट फॉर मर्डर ऑफ डॉक्टर रेड्डी। यही केस? जी, फॉर मर्डर ऑफ डॉक्टर रेड्डी। आपकी बातों से तो स्पष्ट है कि आप नहीं मानते कि भास्कर ने यह हत्या की है। मैं अपना भगवान सुपरस्टार सूर्य किरण का कसम खाता है सर, भास्कर इस इनोसेंट, आप कुछ भी करके उसको बचाओ सर। अरुण, मैं भी तुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। 2 nights 3 days इन चेन्नई। जी, मैं केडी पाठक, मुंबई से आपका वकील। आठ साल का था मैं, तब से मैं मेरे सूर्य आना को कॉपी करता हुआ आ रहा हूं। मेरा लुक, मेरी स्टाइल, मेरा सब कुछ मेरे सूर्य आना की बदौलत है। सूर्य आना, सूर्य आना। जी, और वो लेखक हेमंत रेड्डी जिसने आपके सूर्याना के बारे में लिखा था, उसकी बात मत करो आप। सुपर विलेन था वो, सुपर विलेन। उसे क्या लगा कि मेरे सूर्याना के बारे में वो कुछ भी छापेगा और बच जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपने नहीं मारा उसे? गुरु और शिष्य का एक्शन और रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। व्हाट माय बॉस डू, आई डू द सेम। जरा स्पष्ट रूप से समझाएंगे? उस रेडी को मेरे सूर्याना ने ही मारा है, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे आना को बचाने के लिए अगर मुझे सजा भी हो जाए तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। आपकी इस भावना की कदर करता हूं मैं। आपके गुरु और आप में एक छोटा सा फर्क नजर आया मुझे, उनकी मूछें हैं, आपकी कुर्बान कर दी मैंने अपनी मूछें, मेरे आना के लिए कुर्बान कर दी। क्या बात है, मिलन लड़कत है। अब हम चलते हैं, अदालत में मिलते हैं। अना, विल कंटिन्यू। योर ऑनर, आई हैव टू से दिस। दूर से क्या, पास से भी इन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि सूर्या सर जिंदा होकर लौट आए। जिंदा होके मीनी? याना, सूर्याना कभी मरा ही नहीं था। उनका फैन क्लब का एक भी मेंबर ये माने को तैयार ही नहीं है कि सूर्याना इस दुनिया में नहीं है। मैम,
आप तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। I know very well. 5 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो राजनीति में प्रवेश करेंगे और उसके बाद उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए जिन्होंने उनको बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी में घेर कर रखा। राइट, ऑल लाइफ स्टोरीज, ऑल लाइफ स्टोरीज माय लॉर्ड। बट देन आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि अपनी सुपर फिल्म इनविजिबल आयंगर के सुपर हीरो की तरह एक दिन वो दुनिया से गायब हो जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे और सारे दुश्मनों का पर्दाफाश करेंगे। झूठ का अंत और सत्य की विजय। और यही किया उन्होंने, यही किया उन्होंने। अपनी डेथ का गलत ह्यूमर फैलाया ताकि लोगों को ये लगे कि सूर्याना इज नो मोर, जबकि आज भी सूर्याना इस दुनिया में है। ही इज स्टिल अलाइव। और आपको लगता है कि उन्होंने मिस्टर भास्कर को मर्डर किया? या उन्होंने ही डॉक्टर रेड्डी को मारा है। और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद उनको वहां देखा था। किधर देखा? टीवी पे? टीवी पे नहीं, डॉक्टर रेड्डी का घर पे। कीप योर वॉल्यूम लो। ये आपका फिल्म का सेट नहीं है। दिस इज योर कोर्ट रूम, यू कैन बी हेल्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उस रात आप डॉक्टर रेड्डी के घर पे क्या कर रहे थे? याना, मैं उस डॉक्टर रेड्डी को सबक सिखाने गया था क्योंकि उसने मेरे गॉडफादर मेरे सूर्याना पर झूठ से भरा हुआ बुक लिखा था उसके लिए। डॉक्टर रेड्डी, बाहर निकल। तुझे क्या लगा कि तू मेरे सूर्याना के बारे में कुछ भी लिखेगा और बच जाएगा? नहीं डॉक्टर रेड्डी, आज मैं तेरा फुल एंड फाइनल करने आया है। यू आर फिनिश्ड। Hey रेड्डी, चैन की नींद सो रहा है तू, उठ जा, तेरा हमेशा का सोने का टाइम आ गया है, उठ। सूर्याना, अन्ना, 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 मेरा मुर्गन, अन्ना, सूर्याना। और फिर मैं वहां से घर चला गया और 2 घंटे बाद पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया। Obviously, because you are such a super smart person. आपने बड़े स्मार्टली अपना मोटरसाइकिल डॉक्टर रेड्डी के घर के सामने लाइट के नीचे पार्क कर दिया जहां 10 लोग उसका नंबर नोट कर सके। एंड यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। ये आपका ये गॉगल भी वहीं छोड़ दिए। माय कूलिंग ग्लासेस। यस, योर कूलिंग ग्लासेस। और ये ही नहीं, उनके घर के अंदर अपना जूता और हाथ का निशान भी छोड़ दिए। आई टेल यू मिस्टर भास्कर, यू आर सच अ अन्नाड़ी किस्म ऑफ अ किलर। यू आर अ किलर, अ पागल फनाटिक किलर जिसने अपने आइडल के लिए एक बेचारे राइटर का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है उसे, उसे सूर्या अना ने मारा है और सही मारा है उस झूठा को। उसने अपने फायदे के लिए
सूर्याना का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। कीप योर वॉल्यूम लो। अरे शांति शांति वैजंती जी, कहाँ आप लड़ रही हैं अदालत में? भाई भास्कर, जरा अभियोग पक्ष महोदय को बताओ कि तुम डॉक्टर रेड्डी के घर गए थे उन्हें धमकाने के लिए, उन्हें मारने के लिए, नहीं बताओ ना। हाँ केडी सर, मैं उसे मारने नहीं गया था, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे मार भी डालता। हाँ लेकिन मारा नहीं, मारा नहीं ना तुमने। चक्कू लेकर गया था मिस्टर पाठक, ऑब्वियसली अपना हैप्पी बर्थडे का केक तो नहीं काटेगा उसके साथ। अब चाकू लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर रेड्डी की हत्या चाकू से नहीं, इस नानचक से हुई। अब ये बताइए कि अगर ये चाकू लेकर गया था डॉक्टर रेड्डी की हत्या करने, तो नानचक से डॉक्टर रेड्डी की हत्या क्यों करेगा? बैकअप प्लान। ये जरूरी तो नहीं कि कोई किलर एक ही हथियार लेकर जाए अपने साथ। भास्कर, क्या तुम ये नानचक अपने साथ लेकर गए थे? नहीं। एक मिनट। मुर्गन, केडी सर, ये तो वही नंचक है। कौन सा नंचक? जो सूर्याना ने अपनी फिल्म वायर किंग में इस्तेमाल किया था। केडी सर, वो फिल्म मैंने कम से कम 50 बार देखी है कि वही नंचक है। हाँ माय लॉर्ड, 50 बार देखी है योर ऑनर। He is right, your honor. ये नानचक सूर्या सर का ही है और इस पर उनके उंगलियों के निशान भी हैं। ऑर्डर ऑर्डर। But I'm sure इसके पीछे भी कोई थ्योरी है, कोई जवाब है इसके पीछे। Come on everybody. सूर्या सर की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। उनकी बॉडी को एक ग्रैंड फ्यूनरल प्रोसेशन में मरीना रोड के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तो फिर ये बताइए हमें वैजंती जी कि इस पर सूर्य किरण जी की उंगलियों के निशान कैसे आए अब, जबकि उनका देहांत, उनका स्वर्गवास 4 साल पहले हो गया। ये नानचक पहले से ही उसके पास होगा। He is a fan after all. इसने कहीं से उठा लिया होगा। Lots of theories. एक थियोरी और भी है जो हमें डॉक्टर रेड्डी से ही मिली है, उनके नाखून में गड़े हुए ये बाल। किसका है ये बाल? और क्या इस बाल का डीएनए जांच कराया गया? सर अभी रिपोर्ट रेडी नहीं हुई है, चेकिंग चल रही है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि ये बाल मिस्टर भास्कर का ही है और रिपोर्ट आने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये किलर है। वेरी फनी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है तो चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पे। आई विल बी प्राउड। पर मेरी ये बात मान लीजिए, सूर्याना इज स्टिल अलाइव, वो वापस लौट आया है अपना बदला लेने। कब्र से सिर्फ भूत लौट के आते हैं मिस्टर भास्कर, जिंदा इंसान नहीं। और जहां तक कि मुझे पता है, डॉक्टर रेड्डी का मर्डर एक जिंदा इंसान ने किया, भूत ने नहीं। और मैं भी किसी भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इंसान की ही बात कर रहा हूँ। माय बॉस इज अलाइव। इनफ। आपके बॉस अलाइव है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा केस बहुत जल्दी डेड होने वाला है। मिलॉर्ड, माय फर्स्ट विटनेस अगेंस्ट मिस्टर भास्कर, प्रोड्यूसर शेखरन। मिस्टर शेखरन, आप भास्कर को कब से जानते हैं? जी 4 साल से। मेरा नया फिल्म का हीरो भी है। पर मिस्टर शेखरन, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। कुछ 2 महीने पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो
डू यू रिमेम्बर क्या था इंसिडेंट? वो मैडम अभी जाने दो ना। मिस्टर शेखरन आप बताएंगे कि मैं बताऊं? एक्चुअली इसमें भास्कर को कोई फॉल्ट नहीं था सर। मिस्टर शेखरन वो लक्ष्मी स्टूडियो में मेरा नया फिल्म सुपर सूर्य का शूटिंग कर रहे थे हम लोग। नो नॉट लाइक दिस, आई नीड एग्जैक्टली दिस। सी ऐसा ही ऐसा मूछ होना चाहिए। ठीक है, एकदम सुपर सूर्य माफिक मूछ होना चाहिए, समझा? वासु ये रेफरेंस का पोटो, इसको संभाल के रखो। फर्स्ट शॉट अपन उधर से लेंगे, सनराइज की तरफ से लेते हैं। You rascal! Give me the photo. चल सूर्याना, मेरा गार्ड है ये। हाँ तू इनका फोटो पे स्टेप अप किया इनका? लेकिन मैडम एक इंसिडेंस का वजह से भास्कर को किलर तो नहीं कह सकते ना? एक इंसिडेंट मिस्टर श्रीनिवासन, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब भास्कर ने सूर्या सर को डिसरिस्पेक्ट करने वाले इंसान के साथ मारपीट की है। योर ऑनर जस्ट इमेजिन, गलती से एक फोटोग्राफ के ऊपर पैर रखने वाले इंसान को अगर भास्कर जान की धमकी दे सकता है तो उस इंसान के साथ वो क्या करेगा जिसने सूर्या सर के बारे में इतना कुछ लिख डाला? He will kill that man. उस रेडी के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। Look at this rowdy behavior. भास्कर, इस प्रकार बीच में बोलने से तुम्हारा केस बिगड़ जाएगा। बिगड़ तो गया है मिस्टर पाठक, और अब सुधरेगा तभी जब जज साहब इसके लाइफ के ऊपर डेथ सेंटेंस पास करेंगे। And to speed up the process, Your Honor, I would like to call my next witness, Miss Uma Srinivasan. Miss Uma, you are so pretty. ये जो भास्कर है, इनके साथ में आपका क्या relation है? जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो tell me another thing. जिस दिन भास्कर ने डॉक्टर रेड्डी की किताब पढ़ी, तब आप वहाँ पे थी? जी, और मैं इसका रिएक्शन कभी नहीं भूल सकती। नहीं है, ये उस डॉक्टर रेड्डी की चिता है। पता है क्या लिखा है उसने इस बुक में मेरे सूर्याना के बारे में? कि मेरा सूर्याना माय आइडल माय गॉड। आपने स्टांस खुद नहीं करता था, और तो और मेरा सूर्याना अपनी हीरोइंस के साथ अफेयर करता था। करप्ट था मेरा सूर्याना, वो पॉलिटिशियंस से पैसे लेता था और ड्रग माफिया को फंडिंग करता था। ये लिखा है इस बुक में उस रेडी ने। अरे लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा तो वो देखेगा मेरा आज की रात, वो डॉक्टर रेडी। आज के बाद वो मेरा सूर्याना तो क्या, किसी के बारे में भी कुछ भी बुक में नहीं लिख सकेगा। I mean to say, I will finish him tonight. काश मैं उस दिन भास्कर को रोक पाती, तो इसने डॉक्टर रेड्डी का मर्डर नहीं किया होता। हुआ? तुम भी? हुआ, मैंने नहीं मारा है उस डॉक्टर रेड्डी को, खुद सूर्याना ने मारा है। That's it. तुम
पागल हो गया है क्या भास्कर? पागल वो नहीं, तुम सब जो सूर्या सर को मुर्दा समझे। मैं वेट्टियार उनके फैन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, आप जो भी हो प्लीज सिट डाउन देयर। अन्ना इज इमोर्टल, ही इज अलाइव। What is going on, Your Honor? What is going on here? Why don't you pass that death sentence on this killer? Otherwise, ये लोग तो इस केस को पूरा एक इमोशनल ड्रामा बना देंगे। Your Honor, वैजयंती जी चाहे जो कुछ कहे, सबसे बड़ा सच तो ये है कि जब तक इस बाल का डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाता, इस केस का कोई परिणाम निकालना असंभव है। Mr. Pathak is right, Ms. Shiv Kumar. We will have to wait for the DNA report. साहब, आप लोगों का इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? Yes. मैं किसी फैन क्लब का आदमी नहीं हूं। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। साहब, मेरा नाम महमूद शेख है। चार साल पहले मैंने ही सूर्य किरण जी की लाश को दफनाया था, अपने हाथों से उनकी कब्र को खोदा था। उनकी कब्र खाली नहीं है, उसमें उनकी लाश है। I knew it. तुम कहना क्या चाहते हो महमूद? सर साहब, आप सब लोग बोल रहे हैं कि वो मर चुके, और वो सब बोलते हैं कि वो जिंदा है। क्या जिंदगी और मौत के बीच में कोई जगह है? अगर है तो वो वहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब, मैं दिन रात उसी कब्रिस्तान में रहता हूं, लेकिन पिछले चार महीने से सूर्य किरण जी की कब्र में कुछ अजीबोगरीब बात हो रही। जब भी उनका कोई अजीज वहां उनकी मजार पर फूल छोड़ जाता है तो मेरे फूल साफ करने से पहले ही रातों रात वो फूल गायब हो जाते हैं। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है किसी ने वहां से डेड बॉडी के ऊपर से फूल उठाकर ट्रैफिक सिग्नल पर भेज दिया होगा, ऐसे तो होता है। नहीं मैडम, ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा उसी कब्रिस्तान में रहता हूं। अगर कोई आता तो जरूर दिखता। ये किसी इंसान का काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि सूर्य किरण जी की रूह खुद कब्र में से निकलकर फूल अपने साथ वापस कब्र में ले जाती होगी। और आप ये कह रहे हैं कि शायद मर्डर उनकी रूह ने किया? ये सब मुझे नहीं पता, पर मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप सब बड़े लोगों का मर्जी। योर ऑनर, ये केस इस बारे में नहीं कि सूर्य किरण जी जीवित है या मृत, या फिर जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। ये केस का मुख्य प्रश्न ये है कि डॉक्टर हेमंत रेड्डी को किसने मारा। I completely agree with you, Mr. Pathak. इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस केस को यहीं स्थगित कर दिया जाए। I completely agree with you again, Mr. Pathak. लेकिन आपको भी एग्री करना पड़ेगा मेरे साथ जब ये साबित हो जाएगा डीएनए रिपोर्ट से कि भास्कर इज द मर्डरर। I agree मैडम। Do you agree, योर ऑनर? इस केस की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। The court is adjourned for the day. Thank you.
सर। हाँ बोल। इंस्पेक्टर जी, मैं 2 मिनट केडी सर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात कर लो। नहीं, यहाँ नहीं, मैं सर से प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट मैटर है। गार्डन में आए हो? केडी सर, प्लीज इनको बोलिए ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैटर बहुत अर्जेंट है, सिर्फ मैं और आप, प्लीज चले, प्लीज प्लीज। इंस्पेक्टर गणेशन, 2 मिनट बात कर लेता हूँ अपने वकील से, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं इसे 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर कुछ हुआ ना उसका जिम्मेदार आप रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर। भास्कर, भास्कर दरवाजा खोल, भास्कर। मैंने कहा था ना मिस्टर पाठक, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई एम शॉक्ड, दिस इज हाईली इरिस्पॉन्सिबल ऑफ यू मिस्टर पाठक। और इंस्पेक्टर, तुमने इनके कहने पे प्रिजनर को अकेला छोड़ दिया। हु इज ही? कमिश्नर, मजिस्ट्रेट? सॉरी सर, मिस्टर पाठक सर मुंबई में बहुत ही फेमस लॉयर है, इनका रेपुटेशन। मुंबई में ना, ये चेन्नई है। मिस्टर पाठक, आपका ये इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं चलने वाला है जो आप सिस्टम को इस तरह से बुली कर। सर, मैं यहाँ किसी को बुली करने या इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, मैं केवल सत्य तक पहुंचने आया हूँ। डोंट यू बैक आंसर मी लाइक दिस। मैं क्यों ना समझ लूं कि मुजरिम को भगाने में आपने ही हेल्प की है। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। आप कॉइन मिलेगा क्या? प्लीज क्विक क्विक क्विक। थैंक यू। हेलो शंकर स्पीकिंग। कमीना, तुझे क्या लगा कि मैं जेल जाएगा और तू मेरा उमा के साथ? भास्कर, अब मैं तेरा जान लेकर ही वापस जाएगा। आ गया है मैं। यू आर फिनिश्ड। हेलो भास्कर, भास्कर अन्ना, अन्ना 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 ऑटोग्राफ अन्ना। क्या लगता है शंकर? किस बारे में? यही जो न्यूज वाले 3 दिन से टीवी पे दिखा रहे, डॉक्टर रेड्डी का मर्डर सूर्या किरण ने किया। सुबह से 3 बार पार्टी हाई कमांड का फोन आ चुका है इसी बारे में। पर अन्ना, सूर्य किरण तो मर चुका है ना। बिहार को मैंने अदालत भेजा था केस देखने, वो तो बोल रहा था कि सूर्या किरण कब्र में है ही नहीं, कोई लोग तो बता रहे कि वो उसका भूत है। आखिर हुआ क्या है, वो जिंदा है या मरा? आप टेंशन मत लो अन्ना, मैं फाइंड आउट करता हूँ ना। अरे मैं कैसा टेंशन है नहीं लू, सूर्या किरण के वजह से इलेक्शन में मैं हारते हारते बचा। अगर मैं उसके खिलाफ नकली करप्शन स्कैंडल नहीं खड़ा करता तो आज तुम्हारे सामने मैं नहीं इस बंगले में वो बैठा होता। मरा है मरा ही रहने दो, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। पता नहीं लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलता है। गुड नाइट शंकर। गुड नाइट अन्ना।
कौन कौन सूर्या अन्ना, मुझे माफ कर दो अन्ना। मैंने लोगों को तुम्हारे बारे में गलत भड़काया। मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब ठीक कर दूंगा। मैं तो पार्टी से भी रिजाइन कर दूंगा। मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अन्ना भैया, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मिस्टर पाठक, लेकिन प्रे कीजिए कि भास्कर बहुत जल्दी पकड़ा जाए, वरना वो तो ये केस हारेगा ही, लेकिन आपके लिए आखिरी केस ना हो जाए। यू आर इन बिग ट्रबल। यस सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.